रोहित, सबके मन में एक ही सवाल है, आपके इंजरी का नेचर क्या है, इसके लिए आप इंग्लैंड कब जाओगे और कितनी निराशा हुई ये क्रिकेट आप मिस करोगे अगेंस्ट इंग्लैंड और कब तक मिस करोगे? देखिए, अभी कब तक तो पता नहीं, अभी आई एम जस्ट हम लोग अभी हमारी BCCI की मेडिकल टीम सारे डॉक्टर्स के साथ टच में है और उन लोग बात कर रहे हैं डॉक्टरों के साथ कि अभी तक जो स्कैन्स हमने निकाले हैं वो स्कैन्स सारे डॉक्टरों को भेजा है, तो हम वेट कर रहे हैं ओपिनियन के, ओपिनियन उनका क्या होगा, सर्जरी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, सर्जरी अगर हमने किया तो कितना टाइम लग सकता है, क्या लग सकता है, अभी थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं है। आई थिंक 1-2 दिन में शायद पिक्चर काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि हमको सर्जरी करवाना है या नहीं करवाना है, क्योंकि सर्जरी अगर मैं करता हूँ तो शायद 3 महीना या आई थिंक 2.5 मंथ्स नहीं खेल पाऊँगा, तो वेट कर रहे हैं हम लोग डॉक्टर के ओपिनियन का, तो लेट्स सी कि उनका ओपिनियन क्या होता है। मेडिकल टर्म में तो हमें पता नहीं क्या कहते हैं इसे, लेकिन हमने सबने देखा कि रन लेते समय आपको अपर थाई में थोड़ी सी तकलीफ हुई, क्या एग्जैक्ट नेचर है और आपको फील्ड में उतर समय क्या तकलीफ होती है? नहीं, क्या आपने देखा ही, जैसे ग्राउंड पे मैं रन ले रहा था तो रन लेते लेते वो मसल पुल हो गया और मैं वो मुझे पता चला कि मैं क्रीज में पहुंच नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैंने डाइव लगाया था वहां पर, तो उसके बाद हमारे फिजियो जो है पैट्रिक फराद जो टीम के साथ है इतने सालों से, उन्होंने बताया कि हमें स्कैन लेना ज़रूरी है और नेक्स्ट 2 दिन दिवाली था तो सारे मेडिकल हॉस्पिटल सारे बंद थे, तो हमें 1 तारीख को हमने स्कैन लिया और स्कैन लेने के बाद सारे जो रिपोर्ट्स आए वो हमने BCCI और मेडिकल जो उनकी टीम है लंदन ऑस्ट्रेलिया सब जगह उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट भेजा।